आज हम उठते बैठते सोते जागते खेल राइट ब्रदर्स फर्स्ट फ्लाइट 1903। यही वो दिन था जब राइट बंधु ऑरविल और विल्वर ने उत्तरी कैलिफोर्निया में राइट फ्लायर नाम से एक विमान की सफल उड़ान भरी थी और मानव जाति के उड़ने के सपने को सच कर दिखाया था। उनकी उड़ान धरती से 120 फीट की ऊंचाई पर थी और उन्होंने कुल 12 सेकंड तक इस प्लेन को उड़ाया था। उनके इस उड़ान ने उनके वर्षों की मेहनत का फल तो दिया था, साथ ही साथ इसी विमान के सक्सेस होने के बाद लोगों के उड़ने का सपना सच हो पाया था। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि इस इन्वेंशन के बाद राइट ब्रदर्स ने दुनिया को उड़ने के लिए पंख दे दिए थे। ये टाइटैनिक की पहली और आखिरी तस्वीर है। जी हां, पहली इसलिए क्योंकि इस दिन ही साल 1912 में ये शिप इंग्लैंड के बंदरगाह से रवाना हुआ था और आखिरी इसलिए क्योंकि इस यात्रा के दौरान ही ये समंदर में डूब गया था और इसके बाद आज तक ये समंदर में है। 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोत से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर में तब्दील हो जाएगा, ये बात किसी को पता नहीं थी, खुद इस जहाज को भी नहीं, और इसलिए ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में आज अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाई है। बाकी अगर आप टाइटैनिक पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको एक बड़ा सा मशरूम क्लाउड तो दिखाई दे रहा होगा जो कि एटम बॉम्ब के फटने की वजह से हिरोशिमा के आसमान में बना था, पर एक चीज जो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रही होगी वो है इस धमाके में जाने वाले 70,000 निर्दोष लोगों की जान। जी हाँ, क्लाउड जैसी दिख रही इस तस्वीर में आपको एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को खत्म करने के मकसद से बनाया गया घातक हथियार नजर आया जो कि हमेशा हमें मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी गलती याद दिलाता रहेगा। एक ऐसी गलती जो आज वर्तमान में अगर कोई एक देश भी कर देना तो पूरी दुनिया का विनाश निश्चित है। अब ये तस्वीर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की एक बहुत ही अलग कहानी बयां करती है, जब राष्ट्रपति हैरी एस ट्यूमेन ने ये घोषणा की कि अमेरिका और मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान पे जीत हासिल कर ली गई है, तो इसके बाद टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क की सड़कों पर लोगों के बीच जश्न का माहौल बन गया। लोग उत्सव में नाचने गाने लगे और इसी पल को कैप्चर करने के लिए न्यूयॉर्क के सड़कों पर उतरे फोटोग्राफर अल्फ्रेड ईसेनस्टैड ने इस किसिंग सीन को कैप्चर किया था जिसमें एक अमेरिकन सेलर एक नर्स को किस कर रहा है। इस तस्वीर को लेने के मात्र एक सप्ताह बाद ही इसे लाइफ मैगजीन के कवर पेज पर छापा गया था और जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसमें नर्स पूरी तरह से सफेद कपड़ों में थी, वहीं सेलर बिल्कुल इसके विपरीत काले कपड़ों में था, जिससे यह तस्वीर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब आज से तकरीबन 50 साल पहले 1968 में हमारी इस धरती पर से तीन इंसान चांद के ऑर्बिट में पहुंचे थे। उन्होंने 10 बार चंद्रमा के चारों ओर चक्कर भी लगाया था और फिर धरती पर वापस लौट आए थे, लेकिन उनकी असल विरासत इस यात्रा के 3 दिन बाद 30 दिसंबर 1968 को दुनिया के सामने आई, जब नासा ने क्रिसमस ईव पर चांद से ली गई धरती की इस खूबसूरत तस्वीर को लोगों के बीच में शेयर किया
और ये तस्वीर विलियम एंडर्स द्वारा द अपोलो 8 मिशन के दौरान कैप्चर की गई थी। देखिए जरा गौर से। वर्तमान में अर्थ राइज फ्रॉम मून के नाम से सुप्रसिद्ध इस तस्वीर में आप हमारी खूबसूरत सी पृथ्वी को चंद्रमा के नीचे से उदय होते हुए देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हम सूरज और चांद को उदय होते हुए देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले पृथ्वी की कोई तस्वीर नासा ने जारी नहीं की थी, पर यह तस्वीर उन सबसे अलग थी, अनोखी थी, या यूं कह लें कि यार वाकई में मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें यह एहसास दिलाने वाली थी कि ये अर्थ हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें इसकी खूबसूरती को बचा के रखना जरूरी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स फोटो ऑफ फेलो एस्ट्रोनॉट। 20 जुलाई 1969, पहली बार ऐसा होता है जब धरती पर रहने वाला कोई प्राणी चांद की सतह पर अपने कदम रखता है और इसी ऐतिहासिक पल की ये तस्वीर गवाह है। 20 जुलाई 1969 को जब अपोलो 11 नामक स्पेसशिप चंद्रमा की धरती पर लैंड हुई थी, तभी बज एल्ड्रिन की ये तस्वीर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने स्पेस सूट में लगे कैमरे से ले ली थी, जो कि आज इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए मानव जाति की बड़ी सफलताओं में दर्ज हो गई है। 1989 में तियान मेन स्क्वायर विरोध के दौरान ली गई इस तस्वीर में खड़ा ये व्यक्ति एक चुनौती का सिंबल बना हुआ था। अब हुआ यूं कि 5 जून 1989 को चीनी सरकार ने बीजिंग में हफ्तों से हो रही लोकतंत्र समर्थक विरोध दबाने के लिए मार्शल लॉ घोषित कर दिया, जिसके बाद उसी दिन टैंकों का एक पूरा जत्था तियान मेन चौक की ओर बढ़ा, जहां हजारों प्रोटेस्टर्स जमा हुए थे। तभी अचानक वहां हाथ में शॉपिंग बैग लिए एक आदमी भीड़ से निकलकर बाहर आया और सामने से आ रहे टैंक के सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद उस टैंक ने एक एक करके उसके चारों ओर से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन ये आदमी हर बार उसका रास्ता रोकने के लिए सामने आ जा रहा था। दोस्तों भले ही आज उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं जानता हो, पर इसकी बहादुरी और ललकार की भावना आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। पर जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस घटना के तुरंत बाद ही चीनी प्रशासन ने इसे अरेस्ट कर लिया और चोरी छुपे इस शख्स को मार भी दिया गया, जो कि आज भी चीनी सरकार छुपाती है। 9/11 अटैक 2001। दोस्तों देखने में आपको ये तस्वीर काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, है ना, पर आपको बता दें कि ये कोई हॉलीवुड मूवी का एक्शन सीन नहीं है, बल्कि 11 सितंबर 2001 दैट इज 9/11 को अमेरिका के ट्विन टावर्स में हुए अटैक के दौरान ली गई तस्वीर है, जिसमें इस शख्स ने उस बिल्डिंग में लगी आग से अपनी जान बचाने के लिए इतनी ऊंची इमारत से सोचिए छलांग लगा दी थी, पर अफसोस कि उसकी जान नहीं बच पाई। हालांकि उस दिन कई और लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस बिल्डिंग से छलांग लगाई थी, पर यह तस्वीर इसलिए इतनी प्रसिद्ध हुई क्योंकि अन्य लोगों के कूदने के बाद हवा में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, वहीं ये शख्स बिल्कुल सीधा एक तीर की तरह नीचे जा रहा था, जो कि सच में दिल दहला देने वाला था।